हाय फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ तीखा चटपटा दाल पूरी। उसके लिए मैंने 2 चम्मच दाल को उबाल लिया है, नमक और हल्का सा मिर्च डाल के, बहुत हल्का सा। ये देखो मैंने इस तरह से उबाल लिया है। और इसके लिए मैंने 1 चम्मच धनिया पत्ता, नमक अब अपने स्वाद के हिसाब से, 4 हरी मिर्च, 1 छोटा लाल मिर्च पाउडर, ये मैंने चाट मसाला लिया है। अब किसी भी ब्रांड का कोई भी आपने घर में बना के चाट मसाला यूज़ कर लें। और ये मैंने एक अचार का मसाला लिया, ये मैं लाल मिर्च आता है बड़ा वाला उसके अंदर का मैंने निकाला है। अब आम का कोई भी अचार का जो नीचे मसाला होता है उसको आप निकाल के 1 चम्मच लें। और ये मैंने नॉर्मल जो अपना आटा होता है घर में जो हम रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल के इसको गूंद लिया है। ठीक है, अब मैं अब एक मिक्सर जार लेंगे, इसमें मैंने जो दाल लिए सारा दाल उसमें डाल दूंगी और सारा कुछ इसमें आप ये देख रहे हो जो मैंने रखा है, ये इसमें ये मिर्च, मिर्च अगर आप इतना तीखा नहीं खाते हैं तो आप 1-2 मिर्च ग्रीन मिर्च मिक्स वो स्किप भी कर सकते हैं। ये मसाला, चाट मसाला, मिर्चा पाउडर, धनिया सब मैं डाल के इसके अंदर इसको, और थोड़ा सा जो नमक मैंने लिया था वो सब डाल के इसको मैं इसको पीस लिया है बिल्कुल। इसको अब बिल्कुल एकदम जितना भी हो सके इसको महीन आप उस तरह से इसको पूरा पीस के वो कर लें। उसके बाद अब ये देखो मैं इसको प्याले में निकाल रही हूँ। अब ये देखो मैं इसको आटे को लिया है, इसको हल्का सा आटे में कुछ करके इस तरह से मैं गोल गोल बना लूंगी। अब इतना बना है इस हिसाब से, इसको हल्का सा आटे को वो करके इस तरह से, या आप देख सकते हो मैं कैसे गोल कर रही हूँ। आप चाहो तो इसको बेलन उससे भी करके भी कर सकते हो, मैं हाथ से कर रही हूँ। ये इस तरह से मैंने कर लिया है। अब ये जो दाल था हमारा जो मैंने पीस के रखा था, इसको भी अब इसको अच्छे से पूरा भरें, कहीं से कुछ नहीं निकलेगा, मैं आपको दिखाऊंगी। अब ये देखो अच्छे से भर लिया है। इसको बंद बहुत अच्छे से करना जरूरी है, बंद नहीं करोगे अच्छे से तो ये निकलने लग जाएगा। अब इस तरह से मैं बना के इसको रख लूंगी। अब ये देखो मैं आपको दोबारा से भी बनाते हुए दिखा रही हूँ। ये इतना लेकर आपको हल्का सा आटा हाथ में लगा के इस तरह से गोल बनाना, और इस गोल में आपको ये दाल अच्छे से भरने। ये देखो इसको बंद बहुत अच्छे से करना, मैं इसलिए दोबारा दिखा रही हूँ आपको, बंद बहुत अच्छे से करना है, इसको ऐसे जेंटली हाथ से वो करना है। एक बार मैं और दिखा देती हूँ, ये देखो इस तरह से हाथ से आपको वो निकालना है, और फिर ये आपको ये इस तरह से गोल बनाना है और इसमें अच्छे तरीके से भरना है।
नहीं खोल रहा हूँ। ये देखो मैंने कि वो तैयार कर लिए। ये इस बैटर को मैं हल्के से आटे में करके इसको आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा करें जितना रखना है, ये कहीं से भी नहीं निकलेगा कुछ भी। थोड़ा हल्का हल्का घुमाते हुए इसको ऊपर अब देखो इसको कहीं से भी ये नहीं निकला है दाल। आप देख सकते हो मैं आपको दिखा रही हूँ। अब मैं गैस ऑन मैंने कर लिया है और तवा गर्म होने के बाद मैं इसको वो करूँगी। जब तक एक पक रहा है मैं दूसरी भी बेल दूंगी। अब ये देखो इसको मैं पलटा मैंने इसको बहुत अच्छे से सेकेंगे। सेकने के बाद ही इसको पलट पलट के अच्छे से इसको देखो अच्छे से इसको चारों तरफ से जब पीछे पक गया है जब मैं गैस को कम कर लूंगी और मैं घी डाल रही हूँ थोड़ा सा। आप चाहे रिफाइन हो चाहे बटर किसी चीज से भी आप वो कर सकते हैं। इसको हल्का हल्का मैंने पीछे भी लगा देना। ये देखो अब ये पूरे अच्छी तरह से ये देख सकते हो हल्का हल्का ये ऊपर से फूलने भी लगा। इसको मैं अच्छे से आप आगे पीछे हर देखे बहुत अच्छे से लाल करना है इसको। इसको मैं एक को बेलती रहूंगी दूसरे को हल्का हल्का ऊपर तवे में बना करके इसको लाल करती रहूंगी। अब ये देखो हमारा बनके तैयार है तीखा चटपटा दाल पूरी। और ये मैं मुझे ये कोफ्ते के साथ बहुत पसंद आता है। पिछले रेसिपी आप जाके देखें मैंने कोफ्ता बनाया है।
आपको अगर इसकी रेसिपी चाहिए तो हमारा पिछला वीडियो देखें। और ये अचार मैंने खुद घर पे बनाया है, इसकी भी मैं रेसिपी बताऊंगी कभी। ये मसाला जो मैंने यूज़ किया था, मैं इसी के अंदर का मसाला यूज़ किया था इस पूरी में। अब ये देखो ये तैयार है, बहुत ही तीखा चटपटा और बहुत अच्छा है। आप इसे खाएँ।